अभी दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर पापा का वेट करते हुए। तो ये रहा अपना आसन और ये है हमारे शिवलिंग भोलेनाथ। तो इनको आज हम मंदिर में टेंपल में जाके रखेंगे और कल से इनका पूजा पंडित जी करेंगे। शनि महात्मा टेंपल जो है, मंदिर जो है वहाँ पे। तो चले भी पूजा कर लेते हैं पहले। तो अभी पूजा हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया कि अभी भोलेनाथ को लेकर मंदिर में लेके जाना है, तभी इनको यहाँ रखेंगे और ऐसे ढक देंगे इनको और लेके चलते हैं। साथ में अगरबत्ती भी डाल देता हूँ, वहां पे काम आ जाएगी। तो चलिए अभी लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो अभी गाइस डायरेक्ट मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, यहाँ पे आगे जाके राइट साइड में एक शनि महात्मा टेम्पल है, तो वहीं पे अभी जा रहा हूँ। तो चलिए अभी मंदिर का भी नज़ारा वहाँ दिखाते हैं और थोड़ा मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शनि महात्मा मंदिर और अभी मंदिर की ओर चलते हैं और ये अग्नि प्रज्वलित होते हुए। तो जब भी हम जाते हैं घर पे गांव, तो यहीं पे शनि महात्मा टेम्पल में भोलेनाथ को देके जाते हैं ताकि यहाँ पे पूजा पाठ होता है। देखिए प्रसाद बन रहा है अभी शनि महात्मा का। वन वीक के लिए गांव जा रहा हूँ, थोड़ा डेली जल चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे स्थापित हो गए हैं अभी भोले शंकर भोलेनाथ। और ये प्रसाद है यहाँ का शनि महात्मा टेम्पल। शनिवार के दिन आप आओगे यहाँ पे तो ये प्रसाद मिलता है यहाँ पे। और ये है शनि देव का मूर्ति। बहुत ही मान्यता है यहाँ पे, कुछ भी मांगने से पूरा होता है। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम से ही इनका दर्शन करते हुए आ रहा हूँ। और ठीक शनि देव के मंदिर के बाहर में यहाँ पे जय श्री राम हनुमान जी का मूर्ति है। जय हनुमान जी। और ये जो आप देख रहे हो तिल का तेल है, तो शनिवार के दिन यहाँ पे आके ये तिल का तेल यहाँ से 10 रुपया में लिए और 10 रुपया में लिए, दोनों 20 रुपया में परचेज करके शनि देव के लिए अर्पित करते हैं, शनि देव को चढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि शनि देव को तिल के तेल से बहुत ही पसंद है और तिल के तेल से उनको नहलाया जाता है। और वहाँ से वो तिल जो है खरीदने के बाद यहाँ पे अग्नि में डालते हैं। तो गाइस अभी शिवलिंग को रख के मंदिर में घर की ओर जाते हुए और घर पे जाके सबसे पहले अभी पैकिंग शैकिंग करना है, तो चले चलते हैं। एक्चुअली गाइस मैं पहले हर एक शनिवार को शनि महात्मा टेम्पल जाता था, बट अभी क्या है मैं बैंगलोर में खास करके ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता हूँ। आउट ऑफ स्टेशन ही मेरी मीटिंग्स रहती है, ऑफिशियल मीटिंग या जो भी काम है मेरा, तो उसके कारण शनिवार का आना नहीं हो पाता है दर्शन करने के लिए शनिदेव के लिए। तो एनी हो, बहुत दिनों के बाद मैं अभी गया था शनि महात्मा टेम्पल, जब भी बीच में फुर्सत मिलता है तो जाता हूँ। तो गाइस टुमारो मॉर्निंग जाने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है, मोबाइल चार्जर पर्स लैपटॉप बैग और कल जो पहन के जाने वाला हूँ वो, और इसके साथ साथ ये बैग अभी इसको थोड़ा बंद करना है। तो बस अभी फिलहाल रात के बज चुके हैं 11:30, तो यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करके अच्छे से रख लिया हूँ ताकि मॉर्निंग में जब मैं निकलूँ 4:30 एयरपोर्ट के लिए तो कुछ भी भूल ना पाऊँ। और साथ में ये रहा ब्लेजर, क्योंकि बिहार में ठंड होगी तो ठंड के मौसम में थोड़ा मैंने सोचा कि यार ब्लेजर ले लूँ। तो ये जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट चाइनीज कॉलर है और ये ब्लेजर, अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा क्या। मैं फिलहाल बहुत ही थक चुका हूँ और नाइट को खाना भी नहीं खाया क्योंकि थोड़ा लेट से खाना खाया था और एसिडिटी टाइप का फील हो रहा था, तो अभी इनो लिया, इनो लेके और अभी जा रहा हूँ सोने के लिए।
तो सुबह में मॉर्निंग में उठना है 4 o'clock, अलार्म लगा के सोना है, पापा को भी बोल दिया है, पापा ने बोला मेरे को जगा देना, मैंने पापा को बोला कि जगा देना, और सपना को भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया है कि जगाने के लिए, मम्मी को भी बोल दिया, बहन को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, क्योंकि मॉर्निंग की फ्लाइट जो होती है ना बहुत ही रिस्की होती है, अगर छूट जाए तो भाई एक तो रुपया भी बर्बाद है, ऊपर से जो दिवाली छठ का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि सारा पैकिंग वैकिंग कर लिया हूँ और सब कुछ रख लिया हूँ साथ में, तो टुमारो मॉर्निंग बैंगलोर से रवाना हो जाना है बिहार की ओर। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं सोने, टुमारो मिलते हैं मॉर्निंग में। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Hey guys, good morning. तो अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो जस्ट 20 मिनट पहले ओला टैक्सी बुक किया हूँ और अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की ओर। तो रास्ते में ड्राइवर ने चाय कॉफ़ी के लिए रोका है, तो अभी सोचा कि चलो चाय कॉफ़ी मैं भी पी लेता हूँ और फिर यहाँ से एयरपोर्ट की ओर निकलता हूँ। Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I turn her off, you know, I'm breathing, sitting on. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह अभी कॉफ़ी पीते हुए और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो सुबह करीब मैंने 4 o'clock ओला फोर व्हीलर बुक की और अभी रास्ते में जा रहा हूँ ऑन द वे टू एयरपोर्ट। तो ड्राइवर ने बोला कि थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं, तो अभी सुबह मॉर्निंग में कॉफ़ी की टिस्की लेते हुए, आज चाय की टिस्की ले रहा हूँ, कॉफ़ी की टिस्की। Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I turn her off, you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making exits from the pressure. Lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I turn off and low. Breathe and embrace it on my own. And if I turn her off alone, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, and I survived it. Refresh love, I've been reminded. तो फिलहाल अभी पहुंच चुका हूँ स्पाइस जेट के प्लेन के पास और अभी थोड़ी देर में चेकअप करेगी, अभी अंदर बैठते हैं और दरभंगा में लैंड करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Solely exploring what I need.
Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open, I gave until empty. Got it all back by myself, no nobody can tempt me. If I tell her all from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only one solo and solely exploring what I need. It's dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I'm better off alone. Breathe and embrace it on my own. And if I turn off the room, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, yet I survived it. Refresh love, I've been reminded. तो गाइस, तो मैं फिलहाल अभी पहुंच चुका हूं दरभंगा एयरपोर्ट पे, और काफ़ी दिनों के बाद दरभंगा बिहार आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पापा अभी पहुंचने वाले हैं करीब 15 मिनट में, और क्या बताऊं, बहुत ही मतलब कि एकदम खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। जब दिवाली छठ में बिहार आने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं और बाहर चल के पापा का वेट करते हैं। फिलहाल मैं बैग ले चुका हूँ, बैग लेने में करीब 10 मिनट लगा है। ठीक 9:30 बजे फ्लाइट की लैंडिंग की टाइम थी और 9:05 पर लैंडिंग हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे हूँ अभी, और अभी फिलहाल पहुंचा हूँ, जस्ट लैंड किया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है बिहार आके, और पहले से थोड़ा सा चेंज जरूर आया है। एग्जिट एरिया थोड़ा आगे चल के था, बट अभी जो है देख सकते हो यहाँ पे सामने में ही गेट है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा दरभंगा एयरपोर्ट का बाहर से नजारा दिखा दूँ। छोटा सा एयरपोर्ट जरूर है, बट बहुत ही काम का है। तो गाइस, मैं लास्ट ईयर छठ पूजा के टाइम में आया था, अभी तो दिवाली के टाइम में आया हूँ। लास्ट ईयर सेम एयरपोर्ट पे छठ पूजा के टाइम में आया था, और सेम फीलिंग आज भी आ रही है। बट फर्क इतना है लास्ट ईयर और इस ईयर में 2021 और 2022 में, कि उस समय मैं छठ पूजा में आया था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, सरप्राइज अराइवल टू माई होम। आप वो हमारे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। और इस बार दिवाली में आया, तो पहले दिवाली में मन था कि दिवाली में पहले आऊँ, तो दिवाली और छठ इस बार बिहार में ही मनाना है। ये नज़ारा हम दिखाना चाह रहे थे दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर। तो जैसे ही आप दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, बताइए जैसे बोल रहे थे वैसे बोलिए और बोलिए जोर से। तो जैसे ही आप दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, भैया लोग एकदम ऐसे आपको बुलाएंगे, और जहाँ पे आपको रेट ओके हो जाए। बोलिए बोलिए। नहीं, मेरे पापा आ रहे हैं लेने के लिए। पापा आ रहे हैं लेने के लिए। अभी क्या है, थोड़ा सा वीडियो में दिखा दिया हूँ आप लोगों को कि कैसे दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही जो है सो गाड़ी मिलने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। बिहार बहुत सालों के बाद आए हैं, तो आप लोग को ऐसे देख के लगा कि अच्छा चलो वीडियो एक बना लिया जाए अपने यूट्यूब पे। राज, अभी मैं फिलहाल हूँ दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर। तो जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर आप निकलोगे, तो ऑटो टैक्सी वाले, फोर व्हीलर वाले आपको ऐसे ही विजिटिंग कार्ड देकर बोलेंगे आ जाइए मेरे गाड़ी में, मेरे गाड़ी से चलिए।
तो अभी तो फिलहाल मेरे पापा आ रहे हैं लेने के लिए, तो पापा का वेट कर रहा हूँ अभी। तो फिलहाल अभी दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर पापा का वेट करते हुए, तो लगभग पापा निकल चुके हैं डेढ़ घंटा सवा घंटा पहले ही, पर उनको और एक 15 से 20 मिनट लगेगा दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुँच के। तो मैंने जो अभी बाहर का नज़ारा दिखाया बहुत ही अच्छा लगता है, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट पे, साल में एक बार ही आता हूँ। तो आप जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो एक ऑटो वाले का, टैक्सी वाले का, फोर व्हीलर वाले का झुंड आपको एकदम पकड़ेगा आगे, सर मेरे गाड़ी चलो मेरे गाड़ी चलो। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो अपने वीडियो में ले लिया वो, तो ठीक है। और दरभंगा एयरपोर्ट पहले से थोड़ा चेंज हुआ है, पहले आप एग्जिट एरिया से निकलते ही थोड़ा दूर जाके आगे एग्जिट होता था, बट इन्होंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। दरभंगा एयरपोर्ट के जैसे ही आप एग्जिट से बाहर निकलोगे, एग्जिट से बाहर निकलते ही आपको एग्जिट गेट है, जो कि अच्छा है। चलिए अभी फिलहाल पापा का वेट करते हुए, तो पापा को आने में अभी लेट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय की चिस्की तो बैंगलोर में लेते ही है, तो थोड़ा दरभंगा में भी चाय की चिस्की ले ली जाए। और दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर अभी मैं एक छोटा सा स्टॉल है भैया का, मैं सोचा कि यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था, मैं सोचा कि चलो यार चाय पी लेते हैं, तब तक मैं पापा भी आ जाएंगे। पापा का वेट कर रहे हैं अभी, पापा आ गए आधा घंटा इंतजार करने के बाद।